प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्या यहां पर खरीदना चाहिए। सरकार का यह फैसला इस स्टॉक को ऊंचे आसमान पर लेके जाएगा। 5G के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी बड़ा खुलासा किया है। आइए जरा चलकर खबर का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अगर कुछ जीटीएल के फंडामेंटल व्यू के बारे में बात करें, क्या कंपनी है, करते कैसे हैं और क्या इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है, आगे के 3 क्वार्टर कैसे लग रहे हैं, ये सारा इस सेक्शन बात करेंगे। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंपनी, यहां पर बात करें तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी। ओन एंड ऑपरेट 28,000 से ज्यादा टावर इंडिया में इनके हैं और ये थ्रू आउट ऑल द मेजर टेलीकॉम सर्कल्स में काम कर रही है अपना ऑफर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ से इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि डेट ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी काफी ज्यादा है और इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज नेगेटिव ड्यू टू द यहां पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी हुई है। ये अपना डेप को कम करने के लिए डेप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और अपने नॉन कोर एसेट्स को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। जैसे जैसे कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फर्दर इंक्रीज हो रही है, सो दिस विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जीटीएल इंफ्रा टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या पॉजिटिव थिंग्स हो रही है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इनका डेप्ट रिडक्शन प्लान चल रहा है, दैट इज वेरी गुड फॉर देम। कुछ इंटरेस्ट इनका कम हुआ है बट अभी तक ये कंप्लीट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फर्दर अभी भी इनके पास में डेप्ट है। अपने टावर का एक्सपेंड कर रहे हैं, रैपिडली ग्रोइंग डिमांड, हर टावर, हर सेक्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनको एटलीस्ट 10 टावर्स का ऑब्जेक्टिव है, दिस विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। और ये नए टावर लगाएंगे, साथ साथ में पुराने टावर को अपग्रेड भी करेंगे क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के लिए इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहे हैं जो कि अच्छी बात है। देखिए यहां पर रेवेन्यू जो आता है इनसे लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जनरली 7-7 साल तक रेवेन्यू रहता है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत स्टेबलाइज होती है इस तरह के बिजनेस में। इन्होंने चेन्नई नेटवर्क को भी एक्वायर किया है जिसके लिए 1,500 टावर इनके पोर्टफोलियो में एड हो गए हैं और इनके सदर्न इंडिया में प्रेजेंस काफी तगड़ी बढ़ गई है। अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, क्या मेन प्रॉब्लम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाई डेप्ट। अभी भी डेप्ट इनका काफी बड़ा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट इज कंटिन्यू टू ईट देयर प्रॉफिट और कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिए यहां पर आगे चलकर मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हो सकता है जियो अपने खुद के टावर लगाना शुरू करे, जो एक इनके लिए कॉम्पिटिशन का चैलेंज होगा। कस्टमर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑन फ्यू कस्टमर्स ऑफर फॉर रेवेन्यू, जैसे आपका वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया और जियो हो गया, तो लिमिटेड कस्टमर हैं इनके और जिन एरिया में उनके टावर नहीं है वहां पर ये इनसे सर्विस ले रहे हैं। रेगुलेटरी एनवायरमेंट यहां पर गवर्नमेंट काफी जल्दी से चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोबेबली हैव अ चैलेंज फॉर देम। और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई एडवांस आती जाएगी तो 5G की जगह पर, 4G की जगह पर, 2G की जगह पर इनको 3G में अपग्रेड करना है, फिर 4G में अपग्रेड करना है, फिर 5G में अपग्रेड करना है, तो ये इनके लिए एक हल्का सा चैलेंज की तरह से हो सकता है। क्या डिलिस्टिंग हो सकती है कंपनी, देखिए आपको पता होगा हिस्टोरिकली इन्होंने 2 रुपए के आसपास यहां पर 2020 में इसको डिलिस्ट करने की कोशिश की थी और ये ऑफर 2 रुपए के आसपास बनाने की कोशिश की है बट ये हो नहीं पाया है यहां पर और इन्होंने पब्लिक लिस्टेड से स्टॉक एक्सचेंज पर इसको करने की कोशिश की पर 2 रुपए के भाव पर उस टाइम पर ये डिलिस्ट नहीं हो पाया था। हो सकता है अब ये आगे चलकर अगर देखें तो, क्योंकि प्राइस काफी टाइम से इसका नीचे गिरा हुआ है, तो डिलिस्ट करेंगे तो एटलीस्ट 2 रुपए के आसपास तो इनको पब्लिक होल्डिंग के रेफरेंस में डिलिस्ट करना ही पड़ेगा। हाउएवर कंपनी की पॉसिबिलिटी है आगे फ्यूचर में भी ये डिलिस्टिंग को कैरी आउट कर सकती है और मार्केट रेगुलेटरी इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लोअर लेवल पर ये एक्युमुलेशन बहुत अच्छा रहेगा इसका अगर ये करता है तो। यहां पर अगले 3 क्वार्टर कैसे लग रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडिया टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग विद रैपिड डिमांड और टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंपनी और इसके लिए इन जैसी कंपनी का बहुत अच्छा रहेगा। रेवेन्यू आउटलुक फॉर जीटीएल इंफ्रा लुक्स गुड फॉर नेक्स्ट क्वार्टर पर ये कितने एग्जिस्टिंग बेस कस्टमर बढ़ते हैं और रिन्यूअल ऑफ द एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ की टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। इंटरेस्ट फ्रॉम रिटेल निवेशकों से ज्यादा हो रहा है, क्यों इसमें रिटेल निवेशक क्यों इसमें इतने इंटरेस्टेड है, फ्यू मेन रीजन। बहुत छोटा प्राइस है, देखिए 1 रुपए के नीचे शेयर बाहर चल रहा है जिसकी वजह से ये बिकम अट्रैक्टिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट। किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो 10,000 शेयर आराम से खरीद सकते हैं उसके लिए, जो कि एक हायर शेयर वॉल्यूम रहेगा। हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरली top 3 to top 5 ट्रेडिंग काउंटर होता है जो मार्केट का इंटरेस्ट दिखाता है, इसमें यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। टेलीकॉम सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, जो ग्रोइंग सेक्टर में लोग बाग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर टावर्स के लिए ये एक बढ़िया स्टॉक है आपके लिए। अगर हम बात करें कंपनी का आगे का क्या प्रोविजन रहेगा, लेटेस्ट अपडेट के बारे में चल के देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने यहां पर 5G का पुश बहुत तकड़ी तरह से किया है और यहां पर ऑब्जेक्टिव रखा है कंपनीज के लिए कि इंडिया इज अ पायनियर इन सॉफ्टवेयर, तो 5G में हमारा यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन टू द कोर,
आप अपने हॉस्पिटल्स को कनेक्ट कीजिए, साथ साथ में आप गवर्नमेंट सर्विस को कनेक्ट कीजिए, तो ये सारी की सारी सर्विसेज यहां पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट इनको एक्सेस दे और यहां पर 5G के थ्रू ये बड़े लेवल पर काम चले। तो इसका सीधा मतलब है कि इसकी गवर्नमेंट की तरफ से भी डिमांड ऊपर जाएगी और BSNL और अदर कंपनीज अभी वहां पर नहीं है तो ये एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ ट्राई अप कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बनाने के टारगेट कर रहे हैं जिसमें 5G इनको चाहिए ही चाहिए, जो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन है जिसकी वजह से 5G की डिमांड आगे हमारे समय में एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और रेवेन्यू भी इस तरह से GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी तेजी से बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, हमारे हिसाब से अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, आपको वर्क फ्रॉम होम, आपको कार को कनेक्ट करना है, आपको अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, आपको अपने घर को रिमोटली कंट्रोल करना है, आपको पुलिस स्टेशन से कहीं बाहर फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, कार को ड्राइव करना है, तो ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है थ्रू द हेल्प ऑफ दिस वन। एक इसका भाव 80 पैसे के आसपास चला गया था। देखिए, 4,700 करोड़ का CBI ने फ्रॉड किया था बैंक्स फंड को डाइवर्ट करने के लिए। ये 2009 में हुआ था, 2009 से 2012 के बीच में। उसके चलते हुए शेल कंपनीज बनाई, मनी को ट्रांसफर किया और ये अब CBI ने इसकी चार्जशीट फाइल कर दी है। उसकी वजह से 20% का लोअर सर्किट था और ये सीधे 1.20 रुपए से गिरकर 80 पैसे तक चला गया था। 80 पैसे बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका और यहां से इसने कई बार बाउंस किया और हमने पिछले वीडियो में भी आपको रिकमेंड किया था कि इस लेवल के आसपास आप इसको खरीद सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने 17 लाख इक्विटी जो है शेयर कन्वर्जन टू जीरो कूपन कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स सीरीज B1 बॉन्ड को यहां पर $129,000 का यहां पर कन्वर्ट किया है, जो इनके लिए डेब्ट को फर्दर रिड्यूस करेगा। NCLT ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, जो इंडस बैंक ने इसको डाला था कि बैंक्रप्ट कर दीजिए इसको और हमें इसके एसेट्स को नीलामी कर दीजिए। गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि इन्होंने पिछले 6 सालों में 16,000 करोड़ से ज्यादा पेमेंट किया है, रेवेन्यू हर साल बहुत अच्छा है इनका, तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया है। और साथ साथ में अगर देखें तो कॉर्प डेब्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रेटिवली यहां पर देखा जाए तो 13,000 करोड़ अगेंस्ट एयरसेल एंटिटीज और साथ साथ में ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड टू पे अप्रॉक्सिमेटली 900 करोड़ टू द कॉर्पोरेट डेब्टर, सेम हैज बीन पेंडिंग ऑन एन अपील। साथ साथ में डेप्टर हैज रिकवर 50 करोड़ फ्रॉम टाटा टेली सर्विसेज, 20 करोड़ फ्रॉम ATC एंड 351 करोड़ फ्रॉम BSNL पेंडिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और ये सारा का सारा डेप्ट रिड्यूस करने के लिए काम आएगा टू द सेंट्रल बैंक एंड अदर कैनरा बैंक्स इंक्लूडेड। तो यहां पर NCLT ने इनको अभी के लिए कह दिया है नॉट एनफ बैड टू एडमिट अंडर द NCLT प्रोसीडिंग, दे कैन सर्वाइव फ्रॉम द करंट पोजिशन, वर्क इट आउट द पॉसिबिलिटीज। रेवेन्यू कई सालों से स्टेबल है इनका और 5G में रेवेन्यू एक्सपेंशन की काफी अच्छी उम्मीद है। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी बढ़ेगी। क्योंकि रिजल्ट को देखा जाए तो सेल्स जो है करीब फ्लैट ही रही है, 360 करोड़ के आसपास रही है सेल्स, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की देखी जाए तो लॉस यहां पर 463 करोड़ का है जो कि 195 करोड़ था पिछली बार, तो लॉस इनके ज्यादा बढ़ गए हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा पनिश भी किया है इनको इस क्वार्टर के रिजल्ट के लिए। आइए जरा चलकर इसका टेक्निकल व्यू देखते हैं। 2% आपको निवेश करने की सलाह देंगे, 90 पैसे पर बंद हुआ है, लोअर पॉइंट 85 पैसे के था, तो दिन भर उसी रेंज में घूमता रहा है। आज ये काफी अच्छा सपोर्ट है, 80-85 के आसपास आपको मौका मिले तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में फर्दर ऐड कर सकते हैं। हमारे हिसाब से सबसे पहला इसका टारगेट 1.40 रुपए का रहेगा अगर 3 से 6 महीने का आपका होराइजन है स्टॉक में, जैसे जैसे कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी। आज का वॉल्यूम भी देखा जाए तो इसने करीब करीब 1.2 करोड़ शेयर है एक्सचेंज में, तो काफी हेल्दी वॉल्यूम है अभी इसके लिए। एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर इसका गैप कम होता जा रहा है, कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है इस स्टॉक में यहाँ पर। और एलिगेटर इंडिकेटर के बाद में अगर हम RSI को देखें तो RSI 40 के आसपास है, काफी अच्छा बाउंस बैक है लोअर लेवल RSI से। सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस 1.09 रुपए का है, जैसे ये टूटेगा तो 1.40 रुपए का आएगा कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो। मैग्डी ने आज इसको बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, मैग्डी एक लीडिंग इंडिकेटर होता है जो स्टॉक को बताता है कि कहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर बुलिंजर बैंड को देखा जाए तो बैंड के लोअर हिस्से में है और ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लोअर हिस्सा इसका 80 पैसे से 85 पैसे के आसपास है। सबसे पहला इसका टारगेट शॉर्ट टर्म का 7 दिनों के अंदर 1 रुपए तक जाने का है जब ये बाउंस बैक करना शुरू करेगा। तो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ट्रेनिंग करनी है, मेल ड्रॉप करके। जय हिंद।